जिसके आगे हो अली और पीछे बजरंग बली, उसका क्या उखाड़ेगा वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है न्यू मूवीज अपडेट। दोस्तों, सलमान खान स्टारर दबंग 3 रिलीज का आज दूसरा दिन है और आज हम आप लोगों को बताएंगे फिल्म ने अपने दो दिनों में इंडिया बॉक्स ऑफिस पे कितने करोड़ की बिजनेस की और इस फिल्म के अपने दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो चुका है। तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। दोस्तों, पहले अगर बात करें दबंग 3 के स्टार कास्ट की, तो दोस्तों इस फिल्म के स्टार कास्ट में देखने को मिलेगा आपको सलमान खान, सोनाक्षी सिन्हा, किस्सा सुदीप और श्याम मंजिलकर को। बात करें दोस्तों दबंग 3 की बजट की, तो दोस्तों फिल्म के प्रोडक्शन कॉस्ट यानी फिल्म बन के तैयार हुए है 90 करोड़ रुपए में और फिल्म के प्रिंट और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है 20 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों दबंग 3 के टोटल बजट हो जाते हैं 110 करोड़ रुपए। वही दोस्तों दबंग 3 चार भाषाओं के साथ रिलीज हो चुके हैं, तमिल, तेलुगु, कनाडा और हिंदी। बात करें स्क्रीन काउंट की, तो दोस्तों दबंग 3 को इंडिया में 5000 स्क्रीन पे रिलीज किया गया है और ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर इस फिल्म को 1500 स्क्रीन पे रिलीज किया गया है। यानी दोस्तों दबंग 3 को वर्ल्ड वाइड टोटल 6500 स्क्रीन पे रिलीज किया गया है। बात करें दोस्तों दबंग 3 के प्री रिलीज बिजनेस यानी फिल्म रिलीज होने के पहले की इनकम की, तो दोस्तों दबंग 3 के डिजिटल राइट्स यानी फिल्म को ऑनलाइन दिखाने के राइट्स बिके हैं 60 करोड़ रुपए में। वही दोस्तों फिल्म के सैटेलाइट राइट्स यानी फिल्म को टीवी पे दिखाने के राइट्स बिके हैं 70 करोड़ रुपए में और फिल्म के म्यूजिक राइट्स बिके हैं 20 करोड़ रुपए में। यानी दोस्तों दबंग 3 ने अपने बॉक्स ऑफिस पे रिलीज होने से पहले ही फिल्म के डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और म्यूजिक राइट्स को बेचकर 150 करोड़ की रिकवरी कर ली थी। बात करें दोस्तों बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों दबंग 3 ने अपने पहले दिन चार भाषाओं के साथ इंडियन नेट कलेक्शन किया था 25 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों दबंग 3 के दूसरे दिन यानी आज के कलेक्शन की, तो दोस्तों आज है सैटरडे यानी हाफ हॉलीडे, उसी के चलते दोस्तों दबंग 3 के आज मॉर्निंग वाले शोज के ऑक्युपेंसी रेट 20 से लेकर 25 तक, आफ्टरनून शोज के 30 से लेकर 35 तक, इवनिंग शोज के 45 से लेकर 50 तक और नाइट वाले शोज में 55 से लेकर 60% तक की ऑक्युपेंसी रहे। यानी दोस्तों अगर एवरेज तौर पे देखा जाए दबंग 3 के पूरे दिन का ओवरऑल 37 से लेकर 42% तक की ऑक्युपेंसी रहे। तो दोस्तों अभी के रिपोर्ट के अनुसार दबंग 3 अपने दूसरे दिन इंडिया बॉक्स ऑफिस पे चार भाषाओं के साथ नेट कलेक्शन कर रहे हैं 28 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों दबंग 3 के अपने दो दिनों का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुके हैं 53 करोड़ रुपए और दोस्तों दबंग 3 के अपने दो दिनों का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं 61 करोड़ रुपए। बात करें दोस्तों ओवरसीज कलेक्शन की, तो दोस्तों दबंग 3 ने अपने ओवरसीज मार्केट से भी ताबड़तोड़ की कलेक्शन की और अपने दो दिनों में टोटल कलेक्शन कर लिया है 20 करोड़ रुपए तक। तो दोस्तों जहां फिल्म के अपने दो दिनों में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुके हैं 61 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने दो दिनों में ओवरसीज कलेक्शन कर लिया है 20 करोड़ रुपए। यानी दोस्तों दबंग 3 ने अपने दो दिनों में टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है 81 करोड़ रुपए। तो दोस्तों यही था फिल्म दबंग 3 के अपने दो दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन जो कि हो चुके हैं 81 करोड़ रुपए। तो दोस्तों जहां फिल्म के बजट है 110 करोड़ रुपए, वही दोस्तों फिल्म ने अपने दो दिनों में ही 81 करोड़ की रिकवरी कर ली है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है दबंग 3 लाइफ टाइम टोटल कलेक्शन कितना कर सकता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर।